वरिष्ठ कोषाधिकारी गाजीपुर उमेश कुमार उपाध्याय सर के साथ एक खास मुलाकात और इनके जीवन से जुड़ी वो बातें, छात्र जीवन से लेके आज तक का अनुभव कैसा रहा। सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले मैं आज के परिवेश की बात करूंगा। आपके समय में मीडिया का बाजार नहीं था, ऐसे संसाधन नहीं थे, फिर भी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के काफी अच्छे छात्रों में आपकी गिनती होती है। आज के बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं और कंपटीशन को सेव कर नहीं पाते, फिर भी लगातार आज जो समस्याएं हैं बेरोजगारी की दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, इसको लेके आप क्या कहें? नहीं देखिए, रोजगारी से मतलब, रोजगार से मतलब जो सरकारी नौकरी से नहीं है, वो इतने आत्मनिर्भर बने खुद स्वयं में, वही कोई जीने का तमाम जरिया है। अगर मान लीजिए हमको नौकरी नहीं मिलती तो हम लोग खेती करते, अगर हमारे पास खेत है तो ही हम लोग मान के ना चले कि जो खेती कर रहे हैं वो बेवकूफ़ है और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो सबसे काबिल है। हमारी काबिलियत हर जगह जहाँ हम रहेंगे दिखाई देनी चाहिए, तो ये दिमाग में हर लड़के के रहना चाहिए जो कंपटीशन दे रहा है वो, कि भाई हमारे पास विकल्प है, हम रोड पर नहीं। और ऐसा नहीं है कि कोई लड़का सिलेक्शन जिसका हो गया वो ज़्यादा काबिल है, ज़्यादा हमसे बेटर है। हर लड़के को ये सोचना चाहिए कि अगली बार हम मेहनत करेंगे, इससे भी ज़्यादा थोड़ा मेहनत करेंगे और हमारा भी सिलेक्शन हो। ये हम क्यों मान के चले कि नहीं बेरोजगारी बढ़ गई है और हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो जो पोस्ट आती है अपने क्षमता के हिसाब से हर आदमी छात्र को मेहनत करना चाहिए। सर जो आज का समय है, जो बच्चे आईएएस बनना चाहते हो, पीसीएस बनना चाहते हो, ये ख्वाब है, माता पिता का भी ख्वाब होता है कि मेरा बेटा ये अचीव करे, लेकिन सर अगर वो बन नहीं पाता तो समाज के लोग उसको एक तिरस्कृत करते हैं और वो मन में वो ऐसा होता है अरे यार मैं हो नहीं पाया। वो जो समाज का एक वर्ग है, लोग जो अलग अलग धारणाएं ये पाल लेते हैं कि अरे फला ये हो नहीं पाया, तो मैं जरूर चाहूंगा उन छात्रों के लिए आप क्या कहें? भाई आप समाज हमारे बारे में क्या सोचता है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन हम उनकी चिंता करें कि वो हमारा नहीं हुआ तो हमको हमारा मजाक उड़ाएंगे। अरे ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो उनकी उनका मुंह बंद हो जाएगा, उसका भी आ गया कि संघर्ष हमारा मेहनत का काम करेगा। तमाम लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि कहेंगे कह रहे हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएचयू में पढ़ने गए हैं, नौकरी थोड़ी ना उनको मिलेगी, वो तो बैठ के मूल्यांकन करेंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। अब पता चला कि वो सबसे बढ़िया सिलेक्शन ले लेता है। तो हमारा मूल्यांकन वो नहीं करेंगे, बल्कि हमारा मूल्यांकन हमें खुद करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर थे। सर आप जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपने छात्र जीवन में थे तो आपने वहीं से यूजी और पीजी किया, सर वो किस सन की बात है और आप किस कौन से वो आपके गुरु रहे जिनसे आप काफ़ी प्रभावित थे? हमारे डिपार्टमेंट में हमारे दो गुरु थे, एक सनोलाल पांडे है डॉक्टर काफी फिलहाल और एक डॉक्टर डीएल, इन दोनों लोगों का हमारे पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और दूसरी की कि हम लोगों के करियर निर्माण में हमारे छात्रावास की भी बहुत बड़ी भूमिका रही, जहाँ हम लोग रहते थे हरे लाल हॉस्टल में। किस सन की बात है? ये बात है करीब 84-85। सर आज भी आपके साथ या फिर आपसे जुड़े बहुत सारे छात्र भी रहे होंगे जो कि आईएएस पीसीएस बने होंगे और फोन पे बातें भी होंगी, और जब मैं आपसे मैंने बात किया आपने कहा कि सुशील ख्वाब था कि आईएएस बनना है, बन नहीं पाया, मन में क्या है जी? फिर भी आप जिस पद पे हैं बहुत बड़ी बात है, उन लोगों के लिए मैं चाहूँगा क्या कहें? उन लोगों के लिए यही मैं कहूँगा कि भाई कुछ भाग्य होता है कुछ कर्म होता है। भाई हमको वहाँ तक हम मान लीजिए कि हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम जहाँ पर रहे हो वहीं अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें जिस पद पर है। ऐसा नहीं है कि वाइएस हो गया कोई, मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई लड़का बहुत काबिल है, किसी विभाग में क्लर्क हो जा रहा है, तो वहाँ जो उसकी वो अहमियत आएगी उसकी काबिलियत वहाँ पर दिखाई देगा, फर्क नहीं माना रखता है, आदमी की काबिलियत मानी जाती है और इसे उस आदमी को कुंठित नहीं होना चाहिए। समझिए
सर जो आज का समय है, बच्चे विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जाते हैं कि जी मुझको पढ़ना है और आगे की पढ़ना है, वो बच्चे निराश हो जाते हैं। और साथ साथ में सर जो आज का सोशल मीडिया है, बहुत सारी खबरें आपको मोबाइल पे ही मिल जाती हैं, फिर भी सफलताएं नहीं मिल पाती, क्योंकि आज का जो युग है नकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उधर बच्चों का रुझान ज्यादा है। उन बच्चों के लिए चाहूंगा कि उमेश सर क्या कहें। ओ मोबाइल का सदुपयोग अपने पढ़ने में करें और ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर संघर्ष करें माता पिता का। सर आपसे जुड़ी कुछ बातें जो कि आपके माता पिता ने आपको बताया हो या फिर बचपन में डांट पड़ी हो कि नहीं आप पढ़ नहीं रहे। नहीं, बचपन में हम लोग को यही होता था कि आप पढ़ो बैठ कर, पढ़ो बैठ कर, क्योंकि हमारे भाई साहब बड़े पोस्ट पर थे तो होता था कि भाई कम से कम उतना तो तुम बन जाओ। सबसे पहले सर आपने सेवा कहाँ पे दी और किन किन जिलों में आपने काम किया? हम अपना ज्वाइनिंग हमारी है कानपुर प्राथमिक शिक्षा में साधन में, और उसके बाद बनारस में गए पशुपालन विभाग में प्राथमिक शिक्षा में काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसके बाद बलिया गृहस्थ में रहे परिश्रमी विद्या लेखाधिकारी रहे, उसके बाद गोरखपुर में कोषाधिकारी रहे, कुशीनगर में वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिर राहत आज कर रहे लखनऊ में वरिष्ठ वित्त में लेखाधिकारी थे, और गाजीपुर में इसमें वरिष्ठ। सर आपके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो कि आप कभी भूल नहीं सकते कि नहीं मगर वो बातें आज उन्होंने मुझे बतलाई हैं, तो आप जिस मुकाम पर हैं लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, या फिर घर के और भी लोग हैं आपके बेटे होंगे कि नहीं आपने आज बहुत अच्छा किया, जो आज एक सफल व्यक्ति के रूप में आज आप यहाँ पर खड़े हैं। नहीं भाई, हमारा लड़का तो कहता है कि अभी हाई स्कूल में पढ़ता है, कहता है कि बाबा आप मेहनत किए तो आई एस हो गए होते। तो अब उसको कौन समझाएगा कि भाई तुम भी मेहनत करो, तुम भी मेहनत करके आई एस बन जाओ, हम नहीं बन पाए। और कोई बात सर, जो माता पिता हैं आज छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल दे देना, वो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं और लगातार ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा उन माता पिता के लिए आप क्या कहेंगे कि नहीं एक सुविधाएं जरूरी है, लेकिन सुविधाएं ऐसे ना हो कि फिर आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए वो नहीं, वो बच्चे मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। मोबाइल जो है उसका सदुपयोग, अगर दुरुपयोग करेंगे तो उनके लिए नुकसान है। आज के समय में आप जो भी व्यक्ति है अगर सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत का कोई ऐसा फार्मूला बताएं। उनके लिए फार्मूला ये है कि वो एक अपना लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करें, मतलब मेहनत का कोई समय नहीं लगे। हाँ लगे, सतत प्रयास करते उनको सफलता जरूर। दोस्तों एक खास मुलाकात, एक बेबाकी से अपनी राय रखी उमेश सर ने। सर मेरे चैनल में आपने इतना समय दे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।